तुम मिले दिल खिले और जीने। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल राजन में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बिल्कुल वैसा ही स्टेटस वीडियो बनाना आपको सिखाएंगे। दोस्तों अगर आप भी इस तरह का स्टेटस वीडियो बनाना सीखना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आप काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। दोस्तों अगर आपके पास काइनमास्टर एप्लीकेशन नहीं है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, लिंक पर क्लिक करके आप काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे। जैसे आप ओपन करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे प्लस का आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे तीन रेटिव देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों 1.1 रेटिव सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मीडिया का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप अपना फोटो इसमें सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों आपको जिस फोटो के साथ स्टेटस वीडियो बनाना होगा वो फोटो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों फोटो पर क्लिक करेंगे और इसका ड्यूरेशन 30 सेकेंड तक कर देंगे। 30 सेकेंड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पैन जूम का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों फोटो पर इस तरह से पकड़ के इसको जूम करके यहाँ पे आपको डबल लाइन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद दोस्तों फिर फोटो पर क्लिक करेंगे। फोटो पर क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको विग्नेट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद दोस्तों लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और इसमें एक टेम्पलेट ऐड करेंगे। दोस्तों जो टेम्पलेट यहाँ पे ऐड करेंगे उसका डाउनलोड लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐड कर लेने के बाद दोस्तों यहां पे आपको फुल स्क्रीन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और फुल स्क्रीन पर क्लिक करके ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों फिर टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पे आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको स्क्रीन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद से दोस्तों लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और इसमें एक बैकग्राउंड ऐड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बैकग्राउंड का ऑप्शन आ जाएगा तो बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे और इसमें एक ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद से दोस्तों इसको कुछ इस तरह से पकड़ के जूम करेंगे। जूम करने के बाद से दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से दोस्तों ये जो मास्क है ये ऑफ रहता है तो इसको ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद से दोस्तों ये फेदर 30 पर करेंगे। 30 पर करने के बाद से दोस्तों कुछ इस तरह से इसको क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको ओके का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से दोस्तों फिर बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे और इसको कुछ इस तरह से स्क्रॉल करके यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद से दोस्तों फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको अल्फा कैपेसिटी का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे और इसका जो कैपेसिटी है 70 पर कर देंगे। 70 पर करने के बाद से दोस्तों फिर ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद से दोस्तों अब इसमें एक लिरिक्स म्यूजिक ऐड करेंगे। तो दोस्तों लिरिक्स म्यूजिक ऐड करने के लिए लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और इसमें एक लिरिक्स म्यूजिक सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों आपको जो अच्छा लगे लिरिक्स म्यूजिक यूट्यूब से सर्च करके डाउनलोड करके यहाँ पे इसी तरह से ऐड कर लीजिएगा। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों स्क्रीन पर क्लिक करके ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों जो म्यूजिक ऐड करेंगे उस पर क्लिक करेंगे और इसको कुछ इस तरह से स्क्रॉल करके इसमें एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों फिर आगे स्क्रॉल करेंगे और इसमें आप अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद दोस्तों ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद दोस्तों यह स्टेटस वीडियो बनके तैयार हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्टेटस वीडियो बनके तैयार हो गया है। तो दोस्तों अब इस वीडियो को सेव करने के लिए यहाँ पे आपको एरो का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों एक्सपर्ट पर क्लिक करेंगे तो कुछ ही सेकंड में आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यह एडिटिंग वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।